हेलो दोस्तों, वेलकम टू राइड विद बाइक रजत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आजकल पेट्रोल का प्राइस कितना हाई हो चुका है। ऐसे में आप और हम जैसे काफ़ी सारे लोग हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक लेना चाहते हैं तो इंडिया में अभी फिलहाल के लिए काफ़ी कम ऑप्शन है, बट अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर देखें तो आपको काफ़ी सारे ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ओला का देखने को मिल जाता है, एथर का, बजाज का, सिंपल वन का, काफ़ी सारे आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर में इंडिया में काफ़ी सारा ऑप्शन है, बट अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक लेना चाहते तो आपके डिमांड में काफी लिमिटेड ऑप्शन ही देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए इंडिया में आपको काफी कम ही इलेक्ट्रिक बाइक देखने को मिलता है, जैसे कि आपको रिवोल्ट का देखने को मिल जाएगा, कबीरा मोबिलिटी का देखने को मिल जाएगा, और एक है अल्ट्रा वॉलेट F77। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्ट्रा वॉलेट F77 के बारे में, जो इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स रेसिंग बाइक है। काफी लोगों को काफी लंबे टाइम से इस बाइक का वेट कर रहे हैं, तो फाइनली अब इसके ऊपर अपडेट आना स्टार्ट हो चुका है। तो मेरे पास जो अपडेट है वो अपडेट आपको भी पता होना चाहिए, बट उससे पहले कुछ और भी बातें हम इस बाइक से रिलेटेड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी है, बट इन्होंने जब से अल्ट्रा वॉलेट F77 को अनवील किया है तब से लोगों में इस बाइक का क्रेज देखने को मिला है। तो वहीं अगर बात करें तो इसको नवंबर 2019 में अनवील किया गया था फर्स्ट टाइम। उसके बाद इसकी बुकिंग भी स्टार्ट हुई थी उस टाइम, और इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट से इनको 40,000 यूनिट की बुकिंग प्राप्त हुई थी। उसके बाद कंपनी ने बताया था कि वो जून से अगस्त तक, 2020 के जून से अगस्त तक इसको डिलीवर करेंगे, बट कोविड के चलते इसको पोस्टपोन किया गया था। बट उसके बाद इसके ऊपर कोई भी न्यूज़ या अपडेट आउट नहीं किया था कंपनी ने, बट फाइनली 2-4 दिन पहले से इसके ऊपर अपडेट आना स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका लॉन्च डेट के बारे में, उसके बारे में काफ़ी सारे जो है इस बाइक के बारे में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जैसे इसका प्री ऑर्डर आप कैसे कर सकते हैं, लॉन्च डेट क्या है, प्राइस कितना होगा, फीचर क्या है, बैटरी की वारंटी कितनी मिलेगी, जॉब वैकेंसी कितनी है, डिलीवरी कब से स्टार्ट होगी, कौन कौन से वेरियंट में ये इलेक्ट्रिक बाइक अवेलेबल हैं, कौन कौन से कलर में आपको ये बाइक देखने को मिलता है, एग्जॉस्ट साउंड कैसा है, और लास्ट में मैं भी ये दिखाऊंगा कि आपको इस बाइक में कौन कौन से एसेसरीज भी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अगर इसको आप देखें तो नवंबर 2019 में अनबिल्ड किया गया था, तो अगर आपने वो लाइव लॉन्च इवेंट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन पर वो लिंक मिल जाएगा, तो मेरे चैनल पर ये वीडियो अवेलेबल है, तो आप लोग ये वीडियो को आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक बाइक निर्माता कंपनी अल्ट्रा वॉलेट ने कुछ दिन पहले ही घोषणा किया है कि वह इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु के पास अपना प्लांट स्थापित कर रही है। इस प्लांट में उत्पादन अगले साल से शुरू होगा, जहां कंपनी अल्ट्रा वॉलेट F77 हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों का उत्पादन करेगी। इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल के पहले बैच को मार्च 2022 में बाजार में उतारा जाएगा। अल्ट्रा वॉलेट का यह प्लांट 70,000 वर्ग फीट में फैला होगा, जहाँ कंपनी पहले साल में 15,000 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल निर्माण करेगी, जिसके बाद उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 1,20,000 यूनिट पर ईयर किया जाएगा। बता दें कि कंपनी का शोध एवं विकास केंद्र R&D सेंटर बेंगलुरु में ही स्थित है। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि कंपनी ने यहाँ पे तो मंथ मेंशन कर दिया है, डेट अभी तक फाइनल नहीं किया है, बट इतना तो पक्का हो चुका है कि 2022 में मार्च में आपको ये बाइक लॉन्च होते हुए दिख जाएगी, बिक्री के लिए इसको अवेलेबल कर दिया जाएगा। साथ ही फिलहाल इसको फर्स्ट टाइम पहले बेंगलुरु में ही इसको कंपनी ओपन करेगी, उसके बाद इनका कहना है कि इंडिया में काफ़ी सारे सिटी में इसको लॉन्च किया जाने वाला है। साथ ही इसका जो प्री ऑर्डर है वो भी आप ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। साथ ही अगर इसके डिलीवरी की बात करें तो कंपनी ने यहाँ बताया है कि लॉन्चिंग के बाद से ही, कुछ दिन बाद से ही, कुछ हफ्ते बाद से ही इसकी डिलीवरी भी स्टार्ट कर दी जाएगी। और भी आगे चलिए हम बताने वाले हैं कि प्री ऑर्डर आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप वीडियो पे बने रहिएगा। अल्ट्रा वॉलेट बाइक के CEO नारायण सुब्रमण्यम ने कहा है कि हमें F77 से ज़बरदस्त प्रतिक्रिया मिली है, यह सुविधा हमें अगले कुछ वर्षों में उस मांग को पूरा करने में मदद करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि F77 को स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है, और बैटरी पैक सहित वाहन के 90% से अधिक का निर्माण स्थानीय रूप से प्राप्त उपकरणों का उपयोग करके किया गया है। वहीं अल्ट्रा वॉलेट F77 एक नई हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक बाइक है, जो महज 2.9 सेकंड में 0 to 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार को पकड़ लेती है, और वहीं 0 to 100 ये 7.3 सेकंड में 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को पकड़ लेती है। इसे बाजार में स्पोर्ट्स बाइक को टक्कर देने के लिए उतारा जाएगा, इसलिए इसे बेहतर स्पोर्ट डिज़ाइन दिया गया है। इस बाइक की टॉप स्पीड 147 किलोमीटर पर आवर की है, और यह एक बार फुल चार्ज होने पर 150 किलोमीटर तक की ड्राइव रेंज को देती है। बाइक का इलेक्ट्रिक मोटर 33.5 BHP का ज़बरदस्त पावर और 99 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक में स्टील टेरिस फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक मोटर को लगाया गया है। बाइक में आगे
आगे इन्वर्टेड कार्टिज सस्पेंशन लगाए गए हैं, जबकि पीछे एडजस्ट होने वाले मोनोक्सिस सस्पेंशन दिए गए हैं। अल्ट्रावायलेट F77 में रिमोट डायग्नोसिस्ट और ओवर द एयर OTA अपग्रेड जैसी स्मार्ट और कनेक्टेड सुविधाएं भी है। इसमें LTE इंटीग्रेटेड eSIM तापमान सेंसर, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, मल्टीपल राइडिंग मोड्स, बाइक ट्रैकिंग, राइड डायग्नोसिस्ट और अन्य फीचर भी मिलते हैं। जैसा कि इसमें आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है, नेविगेशन भी इस बाइक में दिया गया है, साइड डिस्टेंस सेंसर भी इस बाइक में दिया गया है, फॉल एंड क्रैश सेंसर भी दिया गया है। फॉल एंड क्रैश सेंसर आपको बाइक में शॉक और आग लगने का खतरा जो है उसको कम करता है। साथ ही इस बाइक में ऐसा फीचर ऐड किया गया है, इसको मोबाइल फ़ोन कनेक्टिविटी ऐप के थ्रू तो चलाया ही जा सकता है, बट इसमें जो अगर आपको इस बाइक में कोई भी फॉल्ट आता है तो आपको पता चलने से पहले ही आपको बाइक नोटिफिकेशन अपडेट कर देगा, अलर्ट कर देगा आपको डैशबोर्ड पे कि आपकी बाइक में ये आपको प्रॉब्लम एरर आपको रिपोर्ट देखने को मिल रहा है। जैसा कि कभी कभी होता है कि आपको कुछ भी पता ना चल रहा हो, आप बस बाइक चला रहे हैं और आपको कुछ आइडिया नहीं लगता है कि आपके बाइक में क्या खराबी है, क्या कुछ आपको इस बाइक में फॉल्ट है, तो वो आपको पता ना भी हो बट आप टेंशन फ्री रहिए क्योंकि इस बाइक में आपको वो फीचर देखने को मिल जाता है। बाइक ऑटोमेटिक आपको सेंस कर देगा, आपको अपडेट कर देगा कि आपके बाइक में क्या फॉल्ट अभी चल रहा है, क्या आपको बाइक में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सारा कुछ आपको इस बाइक में फीचर देखने को मिल जाता है। साथ ही इस बाइक में आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जिससे अगर आप जब भी ब्रेक लगाएंगे तो उस ब्रेक का जो प्रेशर है उसको भी एक इलेक्ट्रिक मोटर में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे आपकी जब भी आप ब्रेक लगाएंगे तो आपका जो बैटरी है वो थोड़ा थोड़ा चार्ज होते भी रहेगा। तो ये एक अच्छा खासा आपको बेनिफिट इस बाइक में देखने को मिल जाता है। काफ़ी कम इलेक्ट्रिक बाइक में ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, ये फीचर देखने को मिलता है, बट आपको अल्ट्रावायलेट F77 में ये चीज़ें देखने को मिल रही है। इस बाइक का लुक काफ़ी आई कैचिंग तो है ही, साथ ही इस बाइक में जो हेडलाइट है वो भी काफ़ी शार्प लुक देखने को मिलता है। स्मूथ साइड प्रोफाइल दिया गया है, स्प्लिट सीट सेटअप दिया गया है, साथ ही इसमें आपको सिल्क लुकिंग LED टेल लाइट भी देखने को मिलेगा। इवनिक स्विंग आर्म बनाए गए हैं और इसका जो फ्रंट का अगर आप सस्पेंशन देखें तो वो दिखाई नहीं देता है। इसके ऊपर एक सेपली एक कॉल लगाया गया है जिससे उसका जो सस्पेंशन है फ्रंट का वो दिखाई नहीं देता है। राइडिंग पोजिशन काफ़ी स्पोर्टी रखा गया है, क्लिप ऑन हैंडल बार इस बाइक में देखने को मिल जाता है और जो राइडर का फुटपैक से उसको भी रियर साइड में लगाया गया है जिससे आपको एक स्पोर्टिव फील हो। फुली डिजिटल स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, नेविगेशन देखने को मिल जाता है, डुअल चैनल ABS भी इस बाइक में दिया गया है, साइड स्टैंड सेंसर भी इस बाइक में आपको देखने को मिल जाता है। मतलब जितना सारा फीचर है आपको सारा कुछ आपको इस इलेक्ट्रिक बाइक में देखने को मिल जाता है। इस बाइक में आपको 3 बैटरी पैक देखने को मिल जाता है, जो कि तीनों आपको रिमूवेबल बैटरी पैक देखने को मिलते हैं और तीनों बैटरी के साथ इस बाइक का जो ड्राइविंग रेंज है वो 150 किलोमीटर का है। मतलब तीनों बैटरी के साथ अगर आप इस बाइक को ड्राइव करते हैं तो 150 किलोमीटर तक की आपको रेंज दे देगी ये बाइक। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि सिंगल बैटरी या डुअल बैटरी पे ये बाइक कितने किलोमीटर तक जाएगी। लॉन्च के बाद जब इसका रिव्यू करेंगे, जब वर्क अराउंड रिव्यू करेंगे, जब इसको राइड करेंगे, उस टाइम ये शायद क्लियर हो जाए कि एक बैटरी पर यह कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है, दो बैटरी पर यह कितना किलोमीटर जाएगी और तीन बैटरी पर तो 150 किलोमीटर तो जा ही रही है। चार्जिंग के बारे में बात करें तो अगर आप इसको घर के चार्जर से चार्ज करते हैं तो 5 घंटे का इस बाइक को फुल चार्ज होने में समय लग जाता है। वहीं अगर इसको फास्ट चार्जिंग से इसको चार्ज करते हैं तो इसको 1.5 घंटे में आप फुल चार्ज कर सकते हैं। वहीं स्टैंडर्ड चार्जर से 0 to 80% ये 3 घंटे में हो जाती है, फास्ट चार्जर से ये 0 to 80 50 मिनट में हो जाती है। वहीं अगर इस बाइक में क्या कुछ एसेसरीज आपको कंपनी देने वाली है उसके बारे में बात करें तो सबसे पहला चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, पोर्टेबल आपको फास्ट चार्जर इस बाइक में दिया जाएगा, स्टैंडर्ड चार्जर भी दिया जाएगा, व्हील कैप्स दिया जाएगा, होम चार्जिंग पोर्ट्स दिया जाएगा, क्रैश गार्ड, पेनियर्स, वाइजर और डैशबोर्ड थीम्स, ये कुछ आपको एसेसरीज मिलने वाली है कंपनी की तरफ से। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये चीज़ें जो प्राइस है उसमें इंक्लूड रहेगा या फिर ये बाइक लेने के बाद इसका एक्स्ट्रा से आपको प्राइस देना पड़ेगा। कुछ टाइम बाद इसके ऊपर भी अपडेट आने वाला है तो सब्सक्राइब करके रखिए, वो अपडेट आपको इसी चैनल पर वीडियो के थ्रू बता दूंगा या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी अपडेट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं सबसे पहले अपडेट कर देता हूँ। इस बाइक के व्हील बेस के बारे में बात करें तो 1340 mm इसका व्हील बेस है, सीट हाइट 800 mm दिया गया है और इस बाइक का कार्बो वेट 158 kg दिया गया है। वाटर प्रूफिंग के बारे में बात करें तो इसको IP67 रेटिंग मिला हुआ है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जिनको भी इंटरेस्ट है इस बाइक में तो आप उसको प्री बुक कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप उसके थ्रू भी यहां आ सकते हैं या फिर आप क्रोम ब्राउज़र पर सर्च करेंगे अल्ट्रावायलेट ऑटोमोबाइल का ऑफिशियल वेबसाइट तो यहां पर भी ये आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको प्री बुक करने के लिए यहां पर देख रहे हैं प्री ऑर्डर साइन अप, सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा, उसके बाद ही आप इसमें प्री ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने साइन अप कर लिया है
और यहाँ पे मैं प्री ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं अब आपको बता दूँ कि इसमें आपको तीन वेरिएंट देखने को मिलता है, एयर स्ट्राइक, शेडो और लेज़र। तो ये तीन वेरिएंट है, तीनों में आपको कोई डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा इंटरनल, बट अगर आप बाहर से देखेंगे तो तीनों में आपको न्यू ग्राफिक्स और न्यू कलर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको नेम, जेंडर ये सारा कुछ भर के फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कंट्री की सिटी से करके आपको सबमिट कर देना है। सबमिट होने के बाद आपको ईमेल पे नोटिफिकेशन आ जाता है। तो जैसे ही वहाँ सबमिट करेंगे कुछ टाइम बाद यहाँ पे आपको ईमेल में आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे ईमेल पे यहाँ पे आ चुका है कॉन्ग्रेचुलेशन का, यहाँ पे थैंक्स रजत कुमार पासवान, यहाँ थैंक्स फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन अल्ट्रा वायलेट F77, ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ वी विल स्टार्ट गेटिंग इनटू मोर डिटेल्स अराउंड द डेट प्लान एंड डिलीवरीज। तो ये कुछ आपको इस तरह से मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने वहाँ पे प्री ऑर्डर किया हुआ है तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिखा रहा है। बाकी कुछ टाइम बाद इसमें और भी अपडेट आने वाला है जहाँ से आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं और साथ ही इसमें बाय भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया है कि लॉन्च डेट, डिलीवरी तो मैंने बता दिया, प्री ऑर्डर भी बता दिया है। वहीं इसके प्राइसिंग के बारे में बात करें तो इतना सारा फीचर में आपको किस प्राइस रेंज में ये बाइक मिलने वाली है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस इलेक्ट्रिक बाइक का प्राइस जो है वो 3-3.5 लाख एक शोरूम होने वाला है। इसके अंदर ही ये बाइक होने वाली है, इसके ऊपर इसका प्राइस नहीं जाने वाला है, ऐसा ये मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा। किसी में 3 लाख बताया जा रहा, किसी में 3.5 लाख बताया जा रहा, तो वही एवरेज के थ्रू ही मैंने आपको बताया है, किसी में 3.5 लाख के ऊपर नहीं बताया है। तो 3-3.5 लाख के अंदर ही इस बाइक का एक शोरूम प्राइस होने वाला है। फीचर के बारे में मैंने आपको बता दिया, बैटरी के बारे में भी मैंने बता दिया कि कितना आपको इस बाइक में बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलता है। साथ ही इस बाइक का जो व्हीकल का और बैटरी का वारंटी हो आपको 3 साल दोनों में मिलने वाला है। 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर तक का आपको बैटरी की वारंटी देखने को मिलने वाली है। 3 साल में भी आप कितने किलोमीटर तक भी इस बैटरी को चला सकते हैं, आपको इसमें वारंटी मिलती है। वहीं इसके जॉब वैकेंसी के बारे में बात कर लें कि जॉब वैकेंसी इसमें क्या कुछ है और कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर आपको क्लिक करके आ जाना है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसके बाद इसमें स्क्रॉल करके सबसे नीचे चल जाना है, यहाँ पे आपको कैरियर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कैरियर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 ये 4 वैकेंसी अभी कंपनी के पास खाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कुछ वैकेंसी आपको खाली देखने को मिल रहा है, जैसा कि सीनियर मोशन ग्राफिक्स और डिज़ाइनर का यहाँ देखने को मिल रहा है वैकेंसी खाली है, वीडियोग्राफर एंड वीडियो एडिटिंग का और ये कुछ एनिमेशन वगैरह का देखने को मिल रहा है, ग्राफिक्स डिज़ाइनर भी देखने को मिल रहा है। तो ये 4 वैकेंसी अभी कंपनी के पास खाली है जिसमें 500 लोगों का कंपनी जॉब दे रही है। इसमें कंपनी, सबसे पहले मैं बता दूँ कि 500 लोगों का यहाँ पर वैकेंसी है, कंपनी इसमें 500 लोगों को जॉब देगी। तो यहाँ पर आप ये चीज़ें देख सकते हैं। बाकी किसी में भी अगर आपका इंटरेस्ट हो तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वीडियोग्राफर एंड वीडियो एडिटिंग आर्टिस्ट का है तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अप्लाई करने से पहले यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट्स फॉर देख सकते हैं, एक्सपीरियंस क्या कुछ चाहिए, रोल क्या कुछ आपको करना होगा, क्या कुछ आपको वहाँ पे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है, क्या कुछ करना होगा, बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे आप अपने हिसाब से वहाँ पे पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मेरा ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई करने के लिए आपको नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और यहाँ पे आपको रिज्यूम सबमिट करना है। 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 MB के अंदर ही अपना रिज्यूम बनाइएगा, उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिए, आपको मेल पे आ जाएगा नोटिफिकेशन। तो ऐसे करके आप यहाँ पे जॉब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जहाँ तक है कि मैंने सारे चीज़ों को, जैसे मैंने डिलीवरी डेट भी बता दिया, जो भी बता दिया, वेरियंट भी बता दिया, कलर भी मैंने आपको बता दिया है और एसेसरीज भी मैंने आपको बता दिया है। लास्ट बचता है इसका एग्जॉस्ट साउंड, जो कि अब आप सुन सकते हैं इस बाइक का एग्जॉस्ट साउंड, जो कि एक फाइटर जेट विमान के साइलेंसर जो आवाज़ आता है उसके जैसा आपको सुनने में नज़र आने वाला है। तो चलिए अब इस क्लिप को देखिए, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वाला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे पहले अपडेट रहने के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए राइड विथ बाइक एंड इन केस यू डोंट, आई विल प्ले दिस फॉर यू। Now that's an engine warming up. No, it's not. It's the F77. So the
The sound you just heard is the actual sound of the F-77 motorcycle. And if you want more evidence, check this footage out from last week during one of our speed testing sessions. Yes. It's insane. It's like an aircraft. No vibrations, absolutely. You feel weightless while riding it.